हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म में। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग जी। सभी को क्लास ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, अभी टाइमली। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो मुझे ऑडियो वीडियो का, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का चल रहा है जी यूनिट वन, टीचिंग एप्टीट्यूड, और आज हम करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। ओके, हाँ फाइन तो नहीं हूँ, बट जुकाम हुआ है, कोल्ड कफ हुआ है मुझे, तो लग ही रहा होगा मेरी आवाज़ से भी। लुकिंग सो ब्यूटीफुल मैम, ओह थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग जी सभी को, गुड इवनिंग। जुकाम हुआ है बहुत ही ज़्यादा, इसलिए फिर आज फिलर फॉर्म की टी शर्ट भी नहीं पहनी है मैंने इतने दिनों से। तो वैसे मैं पहन भी नहीं रही हूँ क्योंकि शिमला में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है फिर हाफ टी शर्ट पहनना। अब तो ऐसे ही दिखेंगे आपको। ओके, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी? आप लोग बताएं, आप लोग सब ठीक है? जब तक और स्टूडेंट भी ज्वाइन होते हैं क्लास में, तब तक आप लोगों के डाउट पूछ लेते हो। किसी का कोई डाउट तो नहीं है जनरेशंस को लेकर, जो हम जनरेशंस पढ़ते आ रहे थे, एक्स वाई जेड या फिर जी बोल लो उसको। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। सब बढ़िया है मैम, वेरी गुड, बढ़िया ही होना चाहिए। हाँ जी, हेलो जी। किसी का कोई डाउट है? पीडीएफ मिल गई थी सभी को? एक बार कंफर्म कर दो, पीडीएफ मिल गई है सभी को? इवेल्युएशन असेसमेंट और आप लोगों की इम्पोर्टेंट थ्योरीज, वो पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी थी। मिल गई है सभी को पीडीएफ? हाय जी जया पटेल, कैसे हैं जी आप? राखी मिश्रा जी, वैसे तो ठीक हूँ बट उतना भी ज़्यादा ठीक रही हूँ। कोल्ड हुआ है, कफ हुआ है, जुकाम हुआ है मैम, थोड़ा रिवीजन करवाना, करवा देना। किसका ये रिवीजन? जनरेशन का? जनरेशन का रिवीजन चाहते हो? थोड़ा सा पीछे का रिवीजन। ओके जी, वन सेकेंड रिपीट मैम, ऑल जनरेशन। ओके ठीक है, मेरी नोटबुक। ठीक है जी, वेट 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 वेट, वेट करना प्लीज, अभी वेट करना, मिनट, एक मिनट, 1 मिनट ना वेट करना प्लीज अभी। ठीक वाले से काम करते हैं। तो होता नहीं वैसे, अब पता नहीं वॉइस तो नहीं आ रही होगी किसी की। मैम बीमार है क्या? मम्मी बाहर जाओ, बाहर जाओ, 1 मिनट कुंडी लगाना, पता नहीं वॉइस आ रही है। वॉइस आ रही है मेरी अभी किसी को? कुंडी लगा, मैम मुझे भी नेस्टी हो गया है। अच्छा जी, आपको भी हो गया है? ओके, वॉइस क्लियर है अभी सभी को? वॉइस आ रही है? यस मैम आ रही है। मैम मैं भी ऐसा करती हूँ, आप भी वैसा ही कर रही हो? मतलब कैसे? मतलब मैं भी वैसा करती हूँ, आप भी वैसा ही कर रहे हो, क्या मतलब? मैम दिन में 2 बार क्लास होती है क्या? ओनली वन टाइम? एक बार होती है, पेपर टू की 2 टाइम होती है, 4 PM एंड आपकी ये, वेट करना कैमरा थोड़ा सा सेट कर लूँ मैं। ओके जी, करें फिर क्लास स्टार्ट। देखो रिवीजन तो नहीं हो पाएगा जनरेशंस का, बट हाँ थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली पीपीटी दूसरे ओपन करी है, हल्का सा बता देती हूँ आपको। देखो जो आपकी, एक तो आपने ईयर याद रखने है ना, ईयर याद रखने आप लोगों ने, और जनरेशन वेट करो। अगर मुझे पीडीएफ मिलती है वो पीपीटी वाली, अगर इसी में ही हुई फिर तो हाँ यहाँ पे ही है, हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। हाँ जी, ये था आपका जनरेशन। गुड इवनिंग जी सभी को, गुड इवनिंग। ओके, करते हैं क्लास को स्टार्ट। किसी का कोई डाउट नहीं है ना, जनरेशन को हल्का सा रिवीजन करते हैं। YouTube पर भी आपकी क्लास है, ठीक है? अगर तो मेरा ठीक रहा, वैसे मैंने मेडिसिन ली है, अगर तो ठीक रहा, कोल्ड कफ मुझे नहीं हुआ ज्यादा, तो मैं करवा लूंगी YouTube वाली क्लास भी, उसमें हम करेंगे PYQs। मम्मी को बाहर निकाल दिया मैम आपने, मैं भी पढ़ाई के टाइम, आप जाओ ना मम्मी। अच्छा, ओके, पूरी वॉइस आ रही थी मेरी,
वॉइस क्लियर आ रही थी। ओहो, अपनी तरफ से तो मैंने म्यूट किया था। हाँ एक्चुअली ना उनको पता नहीं लगता ना थोड़ा कि हाँ ऑनलाइन क्लास चल रही है कुछ भी, तो उस वजह से फिर हमें अलाउड नहीं है, अलाउ नहीं करते हमें। ठीक है, जनरेशन को हम रिविजन करते हैं अभी। कैमरा हो गया। ये है देखो आपकी जो हमने जनरेशन पढ़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या याद रखना है, जैसे कि आपका ग्रेटेस्ट जनरेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि इनका ईयर क्या क्या था। ठीक है, ईयर क्या क्या था इनका, जैसे कि आपकी जो ग्रेटेस्ट जनरेशन थी वो थी आपकी 1901 से लेकर 1924 वाली, और यहाँ पर कैसे लोग थे, देशभक्त वाले, जो देशभक्ति करना पसंद करते थे, इस प्रकार का समूह था 1901 से लेकर जो 19 के बीच में जो पैदा हुए लोग हैं या फिर जिनका बर्थ हुआ है। ओके, बर्थ रेट जिनका 1901 से लेकर 1924 तक था, वो लोग किस स्वभाव के थे या फिर उनका क्या करेक्टर था। ठीक है, तो वो देशभक्ति टाइप के लोग थे, पेट्रियोटिक जिसको बोला जाता है, और साथ के साथ लॉयल थे। ठीक है, मोटिवेटेड थे, ये थे। और अगर इसके अलावा हम एक और बात बोले तो डिसिप्लिन थे ये लोग, और आपका डिटरमाइंड थे, और आपका रेजिलेंस थे, रेजिलेंस। ठीक है, ये चीजें थी। साइलेंट जनरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बर्थ रेट था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, सबसे ज्यादा इंक्रीज यहाँ पर हुआ 1925 से लेकर 1945 के बीच में आपका बर्थ रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। और ये लोग कैसे थे, ट्रेडिशनल टाइप के लोग थे। ठीक है, रूढ़ीवादी जिनको हम बोल सकते हैं, पेशेंस था बहुत इनमें, और आपके रिस्पॉन्सिबल लोग थे। ठीक है, मीन्स कि लोगों का क्या समूह था उस जनरेशन में। और अगर हम बेबी बूमर्स की बात करें तो ये आपके 1946 से 1964 के बीच में लोग थे। क्लियर है, बेबी बूमर्स था आपका एक्चुअली, जहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा हुआ। साइलेंट वाला नहीं था, साइलेंट वाला आपका वो था जो बहुत ज्यादा मेहनती थे बट चुप रहते थे, मेहनती थे बट चुपचाप रहते थे, बोलते नहीं थे। बेबी बूमर में हुआ है आपका बर्थ रेट बहुत ज्यादा, नाम से क्लियर हो रहा है, बर्थ रेट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ बेबी बूमर में। ठीक है, साइलेंट वाले को कट कर देना। साइलेंट वाले जनरेशन में इस तरह के लोग थे कि मेहनती बहुत थे बट चुपचाप रहते थे। ओके, बाकी वही जो ट्रेडिशनल, पेशेंस और रिस्पॉन्सिबल। बेबी बूमर 1946 से 1964 के लोग हैं। ठीक है, जो इस ईयर में पैदा हुए हैं, हम ये बोल सकते हैं इसके बीच में जो पैदा हुए 1946 से लेकर 1964 तक जो पैदा हुए हैं, बेबी बूमर थे, जो आपके कॉम्पिटेटिव, कॉन्फिडेंट एंड सोशलेबल थे। जनरेशन एक्स की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को बताता है। अब ये लोग तो बड़े इंडिपेंडेंट लोग हो चुके थे। ठीक है, कि इंडिपेंडेंट जो भी करना, मीन्स इनको देशभक्ति से इतना ज्यादा लगाव नहीं था कि इंडिपेंडेंटली हमने स्टैंड होना है, अपने बच्चों को देखना है, मेहनत करनी है, मीन्स करियर की ओर इनका ध्यान था। जैसे कि आपका ग्रेटेस्ट जनरेशन है, इनका ध्यान था देशभक्ति की ओर, बट जो जनरेशन एक्स है, इनका ध्यान था अपने करियर को बनाना है, करियर की ओर इनका ध्यान था। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स, मैंने ये एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, आपके पेरेंट्स। ठीक है, आपके पेरेंट्स के टाइम का। और जनरेशन एक्स में अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट, स्केप्टिकल और फ्लेक्सिबल लोग थे, मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, स्केप्टिकल का मतलब होता है कि थोड़ा डाउटफुल भी रहते थे कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर। ठीक है, डाउटफुल लोग भी थे ये। और फिर हम मिलेनियल, ये मिलेनियल जो है इसको जनरेशन वाई भी बोला जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जनरेशन वाई भी इसको बोला जाता है। और ये जो जनरेशन थी आपकी 1981 टू 1996, इस जनरेशन की हूँ जी मैं, 1996 की। ठीक है, ये जनरेशन मेरी है जी। ओके, तो यहाँ पर इंटरनेट आ चुका था बट उतना ज्यादा भी नहीं आया था। हाँ ठीक है, यहाँ पर इंटरनेट हो चुका था। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लोग थे वो रिस्क टेकर थे, एम्बिशियस थे एंड सेल्फ कंट्रोल थे। ठीक है, रिस्क टेकर थे, एम्बिशियस थे और सेल्फ कंट्रोल थे। जनरेशन जी की अगर बात करें, पोस्ट मिलेनियन था ये, पोस्ट मिलेनियन अगर होगा तो जी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर ओनली मिलेनियन होगा तो फिर आपका वाई जनरेशन हो जाएगा। क्लियर है, ये इनके नेम है जनरेशन के। ओके, ये नेम है जनरेशन के, एक्स वाई जी। और यहाँ पे कौन से लोग थे, 1997 से 2012। और अगर हम जनरेशन जी वाई का बता दिए, जी की बात करें तो क्रिएटिव थे, ओपन माइंड थे एंड सेंसिटिव था। जनरेशन जी क्रिएटिव, ओपन माइंड एंड सेंसिटिव। और अगर हम जनरेशन अल्फा की बात करें, ये है जी 2024 तक की। और यहाँ तो इतना ज्यादा इंटरनेट का यूज हुआ कि चाहे ऑनलाइन क्लासे ले लो, सब कुछ ऑनलाइन कर लो। अब ये ऐसे लोग थे कि जिनको ज्यादा मदद नहीं चाहिए टीचर की, लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव एंड सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्यों हो जाएगा यहाँ पर, कोई बता सकता है मुझे, जनरेशन अल्फा 2010 और 2024 के बीच में जो पैदा हुए हैं, सेल्फ अवेयरनेस क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा समझ आ चुकी
चुकी है, इंटरनेट है, गूगल है, हर एक चीज है। अब वो कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए उनको टीचर के पास जाना पड़ेगा। गूगल में जाएंगे, कुछ भी सर्च करेंगे, फॉर एग्जाम्पल टीचर ने होमवर्क दिया है तो वो अपने आप कर सकते हैं इजिली घर में, गूगल में जाके सर्च करेंगे, इंटरनेट का जमाना है। हाँ जी, स्केप्टिकल का मतलब थोड़ा डाउट था, और फोकस ऑन करियर मेंटेन बैलेंस ऑफ वर्क लाइफ। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल का सामान आता है। हाँ जी, यहाँ पर पूरी तरह से मोबाइल का सेल्फ अवेयरनेस, वेरी गुड जी, सब कुछ खुद से नॉलेज ले सकते हैं। हाँ जी, तो ये थी जी आप लोगों की जनरेशन बिकॉज ऑफ इंटरनेट, वेरी गुड। ये थी सारी आपकी जनरेशन, ग्रेटेस्ट साइलेंट बेबी बूमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके ईयर याद रख लेना, और जनरेशन एक्स और ये मिलेनियन, ये इंपॉर्टेंट है। वाई ये पूछा जाता है कि मिलेनियन जो है वो जनरेशन एक्स से जनरेशन वाई है या बेबी बूमर है, पूछा जाता है। ठीक है, बाकी तो हमने कर ही लिया, ये पढ़ लिया। महानतम पीढ़ी, मूक पीढ़ी, बेबी बूमर्स पीढ़ी एक्स, सहस्राब्दी पीढ़ी, जनरेशन जी एंड जनरेशन अल्फा, ये हम पढ़ चुके हैं सारा। ओके जी, ये हो गया था हमारा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आपका टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, इम्पॉर्टेंट है ये भी, यहाँ से भी समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम करेंगे, अभी देखते हैं हमारा कितना कवर होता है ये। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे पैडागॉगी, एंड्रागॉगी एंड ह्यूटागॉगी, क्लियर है, वो करेंगे। और वो कहीं ना कहीं आपका जो आपने लेवल्स ऑफ टीचिंग या फिर डोमेन्स ऑफ टीचिंग पढ़े वो उससे मिलता जुलता है। पैडागॉगी की अगर हम बात करें तो छोटा बच्चा है, एंड्रागॉगी की बात करें तो अडल्ट एज है, और अगर ह्यूटागॉगी की बात करें तो फिर काफी बड़ा है, लाइक पीएचडी। ठीक है, तो उनको भी हम डिटेल में करेंगे, पहले हम टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी कर लेते हैं आज। ओके जी, हाँ, जुकाम ने कोल्ड कफ ने तो जान जान ले ली है। मैम आपको ठीक नहीं लग रहा है? हाय, क्या सर्दी हो गई है। हाँ, वॉइस से पता लग रहा होगा, मेरी आवाज तक चेंज हो गई है मेरी, क्या करें अब। ओके, नोज रेड हो गई है पूरी तरह से, कोई नहीं, पढ़ते हैं अभी। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, ये इजी सा कंसेप्ट है। ठीक है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये तो देखो, जो ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई है, समझ रहे हो मेरी बात को, छुट्टी दे दो। ना ना, छुट्टी कैसे, नोज रेड हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, नोज रेड हो गई है, छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी तभी मिलेगी जब हम बहुत ही ज्यादा सहन से परे हो जाएगा, फिर मिलेगी छुट्टी। अभी मेडिसिन भी ली है वैसे, देखते हैं। देखो ऑडिटरी मतलब इतना ज्यादा नहीं हुआ है, सो के भी क्या करूंगी ना, फिर सो ही भी नहीं रह सकते ना, खुद को परेशानी होती है सो सो के। सो के भी क्या करना है, इससे अच्छा आपको ही पढ़ा लिया जाए, कुछ पढ़ लिया जाए, कुछ हम पढ़ लेते हैं, कुछ आप पढ़ लो। ठीक है, नहीं इतनी ज्यादा हालत खराब नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं कि सो जाऊंगी, सोऊंगी तो नींद नहीं आएगी ना, फिर क्या फायदा, इससे अच्छा है कि कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। ओके, ऑडिट, आप प्लीज ध्यान दो, क्लास में ध्यान दो प्लीज, आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। देखो यूनिट वन आपकी चल रही है, टीचिंग एप्टीट्यूड, और टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी हम क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, सीखने की अक्षमता के प्रकार, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अब क्लास में ध्यान दो प्लीज, सभी क्लास में ध्यान दो, भाई जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, अब क्लास पे ध्यान दो, मैं जैसे चल फिर रही हूँ, बोल रही हूँ, बोलने दो अब। ठीक है, सुनो, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज, इट इज एडवर्सली अफेक्ट हाउ साउंड दैट ट्रेवल्स अनइम्पेडेड थ्रू द ईयर इज प्रोसेस्ड और इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन। अब देखो मैं बताऊंगी आपको क्या ये, ठीक है, बहुत इजी है। श्रवण प्रसंस्करण विकार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक है, और आपको भी पता होना चाहिए, यह प्रतिकूल प्रभाव डालता है कि कान के माध्यम से निषाद रूप से यात्रा करने वाली ध्वनि मस्तिष्क द्वारा कैसे संसाधित या व्याख्या की जाती है। अब देखो जो आपका ये ना ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब कि डिसऑर्डर समझते हो, कि जो ऑर्डर में नहीं है। अब जो मेंटल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कि ये मेंटली डिसऑर्डर्ड है, मतलब क्या हुआ कि मेंटली डिसऑर्डर्ड है, मेंटल तो है मींस दिमाग तो है उसके पास, बट जो उसका दिमाग है वो ऑर्डर से बाहर हो चुका है, डिसऑर्डर बोला जाता है उसको, प्रतिकूल परिस्थिति। ठीक है, प्रतिकूल, ये डिसऑर्डर्ड हो चुका है उसको, मींस वो अपने ऑर्डर में नहीं है, कि जिस तरह से एक ऑर्डर होना चाहिए था, जैसे हम ऑर्डर की बात करें 1 2 3 4, ये ऑर्डर है एक, बट अगर 4 3 2 और ऐसा करके कुछ भी लिख दिया जाए तो वो डिसऑर्डर्ड माना जाएगा।
बताते हैं आज की क्लास होगी कि नहीं होगी। अभी मेडिसिन खाई है, अगर मुझे रिलीफ मिला तो फिर क्लास में ले लूंगी, अगर नहीं रिलीफ हुआ तो फिर तो देखते हैं, फिर कल होगी क्लास। ठीक है जी, अभी देख लीजिए एक बार। अब देखो, जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर थे, सम टाइम क्या मतलब 90% या फिर ये रख लो चलो 60% स्टूडेंट हमेशा इसको बोलते कि बहरा व्यक्ति है, जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो इसका मीनिंग है कि उस व्यक्ति को सुनाई तो दे रहा है, बट वो जो दिमाग तक उसकी जो वॉइस जा रही है या फिर जो आवाज जा रही है, वो उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया अभी, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आपने सुना भी क्योंकि आपके कान ठीक है, बट जो आपका दिमाग है ना, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, उसको बोलते हैं डिसऑर्डर, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। की मीन्स आपने जो सुना है आपका माइंड उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, जैसे कि कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब बताओ कंप्यूटर का माइंड किसको बोला जाता है, कोई बताएगा मुझे? छोटे छोटे बच्चों का सवाल है ये, तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। फर्स्ट सेकंड के कंप्यूटर का माइंड किसको बोला जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है? हाँ जी, सीपीयू को। ठीक है, तो सीपीयू का काम क्या रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कि जो कंप्यूटर को कमांड दी जाती है उसको प्रोसेस करता है और फिर वहां से आउटपुट लेकर आता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो हमारा कान सुन रहा है ना, हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, ब्रेन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, उसको बोलते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, कि सुना सब कुछ बट समझ नहीं आया कुछ नहीं। ठीक है, और अगर हम इसका निमोनिक बनाए तो क्या निमोनिक हो सकता है इसका? फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, और दूसरे दिन मैंने आपसे पूछा और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैम क्या बोल रहे हैं, प्रोसेसिंग करने में जहाँ पे लेट हो रही है, या फिर प्रोसेसिंग मान लो कि मैंने आपको कोई बात बोली है और एक स्टूडेंट है वो एक पल में मेरी बात को समझ गया, और एक स्टूडेंट है उसको आधा एक घंटा लग गया, मीन्स कि उसकी जो प्रोसेसिंग है वो डिसऑर्डर्ड है, वो प्रोसेस नहीं कर पाता है जल्दी से चीज़ों को। ओके जी, तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आपका यही माना जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को ये कंसेप्ट, हिंदी वाले इंग्लिश वाले? यह प्रतिकूल प्रभाव डालता है कि कान के माध्यम से निषाद रूप से यात्रा करने वाली ध्वनि मस्तिष्क द्वारा कैसे संसाधित संसाधित या व्याख्या की जाती है। मैम हिंदी में अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट पे, हिंदी में अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट पे कैसे मतलब? यस मैम, ओके, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट जो आपकी टर्म है वो कौन सी है, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही, आपका डिसकैलकुलिया। और अगर हम इसका निमोनिक बनाया जाए ना, कैलकुलेटर बना देना। क्या बनाओगे? कैलकुलेटर बनाओगे। यहाँ से कैलकुलेटर का क्या मतलब बनाओगे? जिनको मैथ में प्रॉब्लम होती है, नंबरिंग में प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर होता है जिनको, कि जैसे बोला जाता है ना कि यार मुझे ना इंग्लिश तो बहुत अच्छी तरह से आ जाती है, पर जो मैथ है ना, आई कांट डू दिस, मीन्स कि मैं मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम है मैथ में। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम है, प्रोसेस्ड वाला ही है इसका, प्रोसेस्ड और इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन, नहीं कर पाता है ये प्रोसेस, संसाधित या व्याख्या की जाती है उसको, यह माध्यम से निषाद रूप से यात्रा करने वाली ध्वनि मस्तिष्क द्वारा प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है, अपोजिट प्रभाव डालता है, ये एडवर्सली अफेक्ट हाउ साउंड द ट्रेवल, जो आपके जो कानों से जो वॉइस गई, वो दिमाग जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाया उस आवाज को, तारे जमीन पर। हाँ जी, तो ये वही आ जाएगा आपका कि मैथ में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कोई बच्चा होता है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कोई है उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, और कुछ लोग ऐसे जिनका मैथ्स बहुत पुअर है, वो कर ही नहीं सकते मैथ्स। जितनी देर में एक जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, उतनी देर में दूसरा जो डिसऑर्डर्ड है जिसको मैथ का, वो तो क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाएगा, जमा भाग करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है, पॉसिबल नहीं उनके लिए। रूट निकालना तो फिर और भी डर जाएंगे, अंडर रूट और रूट में तो, उसके और में तो फिर और भी डर जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। तो इसका क्या निमोनिक बनाओगे आप, कैलकुलेटर से? कैलकुलेटर में क्या करते हैं जी, कैलकुलेटर में प्लस माइनस वही सारी चीजें होती है ना, मैथमेटिकल चीजें होती है, तो ये ऐसे ही बनाओगे। मैंने जब अपने टाइम पे याद किया था तो मैंने कैलकुलेटर बना दिया था इसको, डिसकैलकुलिया को। ठीक है, डिसकैलकुलिया। हम देखो, अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी
डिसेबिलिटी बोलो या फिर डिसऑर्डर बोलो, दैट अफेक्ट अ पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नंबर्स. उसको नंबर समझ नहीं आते, उसको गिनती समझ नहीं आती. एंड लर्न मैथ फैक्ट, उसको डिसेबिलिटी है, ठीक है, वो मैथ्स के जो फैक्ट है उनको लर्न नहीं कर सकता है, नंबर्स को वो लर्न नहीं कर सकता है. इंडिविजुअल विद दिस टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, ये LD जो है ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, मे ऑल्सो हैव पुअर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ मैथ सिंबल्स, उसको नहीं समझ आ रहे मैथ के फॉर्मूले, मैथ के सिंबल्स. मे स्ट्रगल विद मेमोराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नंबर, हैव डिफिकल्टी टेलिंग टाइम और हैव ट्रबल विद काउंटिंग. अब देखो नंबर यहाँ पर भी आ रहा है आपका, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आ रहा है और काउंटिंग यहाँ पर भी आ रहा है. तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सारा मैथ से रिलेटेड है? यहाँ पे देखो सारे मैथ्स के फैक्ट, मैथ के फैक्ट, ठीक है. तो सिंपल बोल देंगे कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में हम क्या याद ऐड कर देंगे कि भाई डिविजन है, मल्टीप्लाई है, जमा प्लस, वो सारी चीजें हमें नहीं आता है, हम जल्दी से नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, वो करेगा कैलकुलेटर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब मान लो आप दुकान में चले जाओ, ठीक है, दुकान में आपने कोई चीज ले ली, जैसे कि आपने ले लिया मान लो 10 रुपीज का सोप ले लिया, 20 रुपीज का कुछ ले लिया, 25 का कुछ ले लिया, फिर 15 का कुछ ले लिया, 12 रुपीज का कुछ ले लिया. तो कईयों में ना ये प्रॉब्लम रहती है कि वो फटाफट काउंट नहीं कर पाते, और दुकानदारों को देखना, वो तो ऐसे काउंट, मैं खुद नहीं काउंट कर पाती हूँ कि क्या है कितना है. अगर तो 12-13 रुपए की चीजें लेनी हो, फिर 10 रुपए, मतलब अगर तो देखो सिंपल सा नंबर होगा जैसे 10-20, ये तो इजीली हो जाएगा. 12 रुपए की चीज है, 20 की है, 25 की है, और ऐसे ऐसे होते हैं जो नंबर, वो नहीं काउंट हो पाते जल्दी से. डिसकैलकुलिया, यही जिनको मैथ में प्रॉब्लम सारी है, बोर्ड मार्क्स में, हाँ जी मैथ में, नंबरिंग में, काउंटिंग में, मैथ्स इफेक्ट और मैथ सिंबल्स, ये इससे बाहर नहीं आएगा यहाँ पे क्वेश्चन. ये बहुत इजी है आपकी डिसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी. वन लिनियर बनेगा या फिर स्टेटमेंट बेस्ड बनेगा? स्टेटमेंट में ऑडिटरी में आपका डेस्क कैलकुलिया डाल देंगे, कैलकुलिया में ऑडिटर वाला डाल देंगे. माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा है साउंड को. राखी मिश्रा, आई डोंट नो कि क्लास होगी कि नहीं होगी 9 बजे, क्योंकि वैसे मैंने मेडिसिन खाई है. अगर तो मेरा हुई, मैं कैपेबल कि हाँ मैं क्लास ले सकती हूँ, तो डेफिनेटली होगी. अगर मुझे लगा है कि नहीं, हिम्मत नहीं पड़ रही है क्लास लेने की, तो नहीं लूंगी, क्योंकि कोल्ड कफ हुआ है, जुकाम हुआ है, लग ही रहा होगा मेरी आवाज से भी. ओके नेक्स्ट, चले नेक्स्ट, हिंदी में पढ़ ले एक बार. डिसकैलकुलिया एक विशिष्ट सीखने की विकलांगता है जो किसी व्यक्ति की संख्याओं, ये देखो अंडरलाइन कर दे रही हूँ, समझने और गणित के तथ्यों, इंपॉर्टेंट है, को सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है. इस प्रकार के LD मीन्स लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है, वाले व्यक्ति को गणित के प्रतीकों में खराब समझ हो सकती है, खराब, डिसऑर्डर्ड. संख्याओं को याद करने और व्यवस्थित करने में कठिनाई हो सकती है. संख्याओं को याद करना, दुकान पे गए, ठीक है, दुकान पे गए, भाई कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी दुकान में, तो अब इतना सारी चीजें तो हम नहीं काउंट कर पा रहे हैं मैम, 20 की चीजें ली, 25 की ली, और कितनी सारी चीजें ली. आज मेरे पापा का बर्थडे है, ओके हैप्पी बर्थडे बोल दो उनको मेरी तरफ से भी, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस हिम अबंडेंटली. हाँ जी, संख्याओं को याद रखने और व्यवस्थित करने में कठिनाई हो सकती है. अब इसका एक और निमोनिक बनाओ, दुकान पे गए, ठीक है, दुकान पे गए तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी क्योंकि काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी मैम, जो जो सामान लिया था हम नहीं गिन पा रहे थे, ठीक है, ये बना दो इसका निमोनिक, या किसी ABCD को डाल दो यहाँ पे, ठीक है. समय बताने में कठिनाई हो सकती है, ओ माई गॉड, समय बताने में भी कठिनाई हो सकती है, या गिनने में परेशानी हो सकती है, ठीक है. और हम लर्निंग पढ़ रहे हैं, लर्निंग डोमेन्स हमने कर लिए हैं, अभी हम लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो कहीं ना ये बचपन से ही चीजें सामने आ जाती हैं, मतलब छोटा बच्चा जो होता है ना, सामने आ जाती है कि उसको मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, कि उसको कहाँ ज्यादा, वो कहाँ जा सकता है, उसका ज्यादा किस काम में उसका जो मन होगा वो जाएगा, पढ़ाई के विषय में अगर बात की जाए. बट ये डिसऑर्डर जो होते हैं ना, ये हिडन टाइप के होते हैं, दिखते भी नहीं है, ये हिडन टाइप होते हैं, ये मीन्स छुपे होते हैं. ओके समझ आ गए सभी को, क्लियर है? चले नेक्स्ट टॉपिक पर. हाँ जी क्लियर है सभी को? कैमरा कैमरे का पता नहीं क्या है. अब ज्यादा ही ऊपर हो गया कुछ, है ना, नीचे हो गया, सॉरी ऊपर नहीं, देखते हैं अब जैसा भी होगा. तो क्लास चल रही है ना, समझ नहीं आता, हिल गया था कैमरा एक्चुअली, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया ना, सिर कट रहा है.
ओके okay, अब देखो, नहीं, क्लियर है, क्लियर है, अभी क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक भी आपका, प्लीज सुन लो, क्लास में सुन लो सभी। डिसग्राफिया ठीक है, अब ग्राफिक से बना दोगे इसका। पहले हमने कैलकुलेटर वाला बनाया है, कैलकुलेटर वाले निमोनिक बनाए हैं, दुकान पे गए, कैलकुलेटर नहीं कर पाए तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी, मीन्स की मैथ में डिसऑर्डर, काउंटिंग में डिसऑर्डर, नंबरिंग में डिसऑर्डर। डिसग्राफिया की अगर बात करें, अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट अ पर्सन हैंड राइटिंग। अब यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, रिटन प्रॉब्लम है, लिखने की प्रॉब्लम है, ठीक है, लिखने का डिसऑर्डर है, क्लियर है, लिखने का डिसऑर्डर है यहाँ पे। हैंड राइटिंग एबिलिटी मतलब, अब देखो हैंड राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि उसको लिखना नहीं आ रहा है, ठीक है, लिखने की प्रॉब्लम ये है कि जो स्पेलिंग्स है ना वो मिस्टेक हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। जैसे कि ऑडिटरी जो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पड़ा है, ऐसा नहीं है कि उसको सुनाई नहीं देता है, सुनाई सब कुछ देता है, बट जो उसका माइंड है ना वो प्रोसेस नहीं कर पाता है कि जो सुना है वो जल्दी से समझ सके या फिर अंडरस्टूड कर पाए। तो यहाँ पे जो डिसग्राफिया का मतलब है, ऐसा नहीं है कि उसको लिखना नहीं आता है, लिखना भी आता है, बट स्पेलिंग प्रॉब्लम हो सकती है लिखने में, ठीक है, लिखने में जो है स्पेलिंग प्रॉब्लम होती है, तो इसको बोलते हैं डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट अ पर्सन हैंड राइटिंग एबिलिटी एंड फाइन मोटर स्किल्स। प्रॉब्लम में इंक्लूड इलिजिबल हैंड राइटिंग, इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग, पुअर मतलब देखो, एक तो स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो जाएगी यहाँ पर, क्लियर है, और आप लोगों का स्पेस का पता नहीं लगेगा कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगना है, कहाँ पर आपका कॉमा लगना है, वो सारी चीजें हो जाएगी, और इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग होगी, ठीक है, स्पेस का भी पता नहीं लगेगा, पुअर स्पेटियल प्लानिंग ऑन पेपर, पुअर स्पेलिंग, ठीक है, देख लो यहाँ पे पुअर स्पेलिंग हो जाएगी, स्पेलिंग का पता नहीं लगेगा, एंड डिफिकल्टी कंपोजिंग राइटिंग एज वेल एज थिंकिंग। अब मतलब कि जो आप सोच रहे हो आप उसको वैसा एज इट इज नहीं देख पाओगे, डिफिकल्टी होगी। सोच तो मैम हमने बड़ा कुछ लिया, पर जब लिखने के टाइम आया तो हम लिख ही नहीं पाए। अब पता है आपको कि मास्टर जब करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, 40 40 शीटें भरनी पड़ती है एचपी में, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों का कैसा रहता है, 40 शीट्स होती है तो वो हमें पूरी भरनी होती है, ठीक है। अब मैम या तो हमने बहुत कुछ किया बट हम 25 ही शीट फिल करके आ गए, क्योंकि दिमाग में तो बड़ा कुछ था बट लिखा नहीं जा रहा था, लिख नहीं पाए हम, ठीक है, लिख नहीं पाए हम, हाँ लिखने का प्रॉब्लम है, ए का डी और डी का बी लिखना, डब्ल्यू का एम लिखना, हाँ जी ये भी आपका उसी में आ जाएगा, वेरी गुड, स्पेलिंग ठीक है, पुअर स्पेलिंग, हाँ जी वेरी गुड, ये भी उसी में ही आ जाएगा। आप देखो कंपोजिंग राइटिंग एज वेल एज थिंकिंग एंड राइटिंग एट सेम टाइम, मीन्स कि सेम टाइमिंग पे जब आप थिंकिंग कर रहे हो तो आप एज इट सेम टाइमिंग पे लिख नहीं पा रहे हो, ठीक है, लिख नहीं पा रहे हो, तो ये सारे डिसऑर्डर आ जाएंगे आपके। और ये वाले जो मैंने बताए हैं ना यहाँ पे अंडरलाइन किए, ये एग्जाम में आपसे ना एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, और साथ में ये दिया जा सकता है कि ये डिसग्राफिया है, डेलेक्सिया है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, या फिर डिसकैलकुलिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिसग्राफिया। और यहाँ पे तो ऑब्वियसली मैम हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, बट एग्जाम में पता है नहीं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, रिविजन करनी पड़ती है उसके लिए। अब नेक्स्ट देखिए आप, डेलेक्सिया, अस्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट रीडिंग। अब ये किससे है आपका, रीडिंग, डेलेक्सिया एंड डिसग्राफिया तो चलो इजी हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इसका क्या निमोनिक बना लोगे कि ग्राफ बनाया था मैम, बन ही नहीं पा रहा था, ठीक है, ग्राफ बना रहे थे बन ही नहीं पा रहा था। रीडिंग डिस रीडिंग एंड रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, अब यहाँ पे रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है और रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग, वही वाला आपका तारे जमीन पर, ठीक है। अब मान लो मुझे चाइनीज बोली जाए पढ़ने के लिए, उन्होंने क्या बोला था कि इस बच्चे को ये डिसऑर्डर है, कि अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ वो जो उनके एलसीडी के नीचे डब्बा रखा था कि आप इसको पढ़ो, तो उसने बोला मैं कैसे पढ़ सकता हूँ ये चाइनीज है, तो उन्होंने बोला था कि इस बच्चे को भी यही डिसऑर्डर है कि ये नहीं समझ पाता है जल्दी से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हाँ जी। बीएड में भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड इम्पोर्टेंट है, और आपका सेट के लिए इम्पोर्टेंट है, नेट जेआरएफ के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड, वो तो मैं बोलती हूँ बहुत बार, 50 मीन्स 50 क्वेश्चन आएंगे ना यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड से, बीएड में अगर एंट्रांस भी देना है तो। डेलेक्सिया इज समटाइम रेफर टू एज अ लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी, ये वाला इम्पोर्टेंट है, देख लो अंडरलाइन कर दे रही हूँ मैं, लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। अब रीडिंग अगर एग्जामिनर क्या बनाएगा, या तो रीडिंग बनाएगा, उसको पता है कि रीडिंग तो सभी स्टूडेंट ने याद किया होगा, तो कहीं ना कहीं मैं ये डाल दूँ लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये भी आप लोगों का हो जाएगा डेलेक्सिया, लैंग्वेज बेस्ड डिसेबिलिटी। ओके जी, क्लियर है सभी को, चले नेक्स्ट।
मैं कैमरा ऑफ करके पढ़ा सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि हालत ख़राब हो रही है ज़रा थोड़ी थोड़ी। वेट करना 1 मिनट। यस मैम, हाँ जी। ओके, अभी बताना मुझे ऑडिटर ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, और था आपका डिसकैलकुलिया, और था आपका डिसग्राफिया और डेलेक्सिया, क्या क्या था ये? वन वन लाइन में बता दो, जो भी आपको समझ आया सभी रिप्लाई करेंगे प्लीज। जल्दी से रिप्लाई करो सभी। अब देखो क्लास स्टार्ट कर दी है ना, तो फिर क्या फायदा, आधे घंटे की क्या क्लास लेनी है, सो के भी क्या ही कर लूंगी, कुछ प्रोडक्टिव कर लेते हैं ना। हाँ जी बोलिए। नहीं करेगा कोई रिप्लाई? बिना फेस के पढ़ना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मेरे मुंह पे लिखा होता है सब कुछ। हाँ, कैलकुलेटर। ओ माय गॉड, जोया नींद से जागे आप? कैलकुलेटर राइटिंग प्रॉब्लम। अच्छा, आपने तीनों का एक साथ बता दिया। ठीक है ठीक है ठीक, समझ गए समझ गए समझ गए आपकी भावनाओं को जोया जी, आपने दो तीन चीज़ों का एक साथ से बता दिया। गुड 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 गुड, ठीक है जी। लिखने में दिक्कत है? डिसग्राफिया, ओके, ग्राफी लिखने में, कैलकुलिया मैथ, और डिसकलेक्सिया रीडिंग में। ऑडिटरी वाले कोई भी नहीं बता रहा, समझ नहीं आया? ऑडिटर। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है आप लोगों की। अ डिसऑर्डर दैट इज करेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन मसल्स कंट्रोल विच कॉजेज प्रॉब्लम विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, लैंग्वेज, स्पीच एंड कैन अफेक्ट लर्निंग। अब ये क्या बोल रहा है, देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ मैं आपको, कि मान लो आप 25 ईयर के हो, बट जो आपकी, आप ना ई मैच्योर हो, ठीक है, ई मैच्योर हो, मीन्स की मैच्योरिटी नहीं आपके अंदर की, जिस हिसाब से आपकी एज है उस हिसाब से मैच्योरिटी होना जरूरी थी आपकी बातचीत में, आपके देखने उठने बैठने में, हर एक चीज में। तो वो होता है डिस्प्रेक्सिया, और इसको भी हिडन डिसऑर्डर बोला जाता है, जो कि दिखता नहीं है, हिडन डिसऑर्डर डिस्प्रेक्सिया। और अगर एक और बात बोलूं, कि जो आपके माइंड है, माइंड क्या न्यूरॉन होता है शायद, न्यूरॉन है, न्यूरॉन है मे बी टर्म, वो जो नसें होती है ना, वो कुछ ऐसी है जो आपकी नहीं डेवलप हुई है नसें, ठीक है, माइंड की नसें नहीं डेवलप हुई है, जिस वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, मूवमेंट एंड जो आपके कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, वो नहीं हो पाता है बॉडी के साथ, ठीक है, बॉडी के साथ आपका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। अभी एक बेस्ट एग्जांपल दूंगी, फॉर एग्जांपल कि आप ना प्रीच कर रहे हो, ठीक है, प्रीच है, जब आपने करनी स्टार्ट की, तो जो आपकी लैंग्वेज एंड जो आपकी स्पीच थी ना, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई उस प्रीच के साथ, तो ये भी डिसऑर्डर में माना जाता है, हिडन डिसऑर्डर। और एक अगर आपको बेस्ट एग्जाम्पल दूं मैं, तो कार, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। अब पूछो कैसे, कार में देखो दिमाग भी यूज होना है, जब आप ड्राइव करोगे आपका ब्रेक क्लच भी यूज होना है, और आपका हाथ भी यूज होना है, और इन तीनों चीजों का हैंड, मींस कि देखो स्टेयरिंग होगा, क्लियर है, ये स्टेयरिंग है, ये आपकी ए बी सी ब्रेक क्लच एंड रेस है, ठीक है, और ये आपका क्या है, दिमाग मींस आईज वगैरह सारी चीजें, ठीक है। तो ये तीनों चीजों कोऑर्डिनेशन में होगी तो ही गाड़ी चलेगी। अगर मान लो आपके सिर्फ और सिर्फ पैर चल रहे हैं, ब्रेक रेस चल रही है, स्टेयरिंग नहीं चला पा रहे हो आप, तो गई गाड़ी पट्टी पटरी से बाहर। और सिर्फ आपकी अगर आईज आईज ही आप देख ही पा रहे हो, ना ब्रेक का पता लग रहा, ना क्लच का, मीन्स कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है आपका, गाड़ी चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए ना इन तीनों चीजों का, तो वो नहीं बैठ रहा है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी आपका किसमें, डिस्प्रेक्सिया में। ये सिर्फ एग्जाम्पल था, ऐसा नहीं है कि अगर आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हो तो फिर आप डिस्प्रेक्सिया के शिकार हो, ये एग्जाम्पल था। कि फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो स्पीच उन्होंने देनी है, तो लैंग्वेज और सारी चीजों में वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। डिस्प्रेक्सिया एक विकार है जो मांसपेशियों पर नियंत्रण में कठिनाई है, ये देखो ये है इंपॉर्टेंट लाइन, मांसपेशियों पर नियंत्रण में कठिनाई की विशेषता है, जो आंदोलन और समन्वय, भाषा और भाषण में समस्याएं पैदा कर देता है, भाषा और भाषण में, ठीक है। मान लो मैंने भाषण देना है, तो उस भाषण में और मेरी जो भाषा है वो कुछ और ही जा रही, कम्युनिकेशन, ठीक है, मीन्स कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही हूँ मैं अपने भाषण के साथ, तो और सीखने को प्रभावित कर सकता है, ये है जी आपका, ठीक है। हाँ जी, ये है जी आपका। नहीं, ये लोग ऐसे लोग हैं कि एक वक्त पे एक चीज भी नहीं कर पाते ना, ये कोऑर्डिनेट ही नहीं हो पा रहा, ना लैंग्वेज में, ना स्पीच में,
मूवमेंट्स में, किसी भी चीज में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, डिस्प्रेक्सिया के शिकार है। फिर ये दिमाग का ना एक न्यूरॉन होता है कुछ दिमाग में, उसकी जो नसें हैं वो डेवलपमेंट नहीं हुई है पूरी तरह से। तो ये थे जी आपके सारे डिसऑर्डर, ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं आप लोगों से समटाइम। क्लियर है? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो गया, डिसकलेक्लिया हो गया। आज देख लो कितना इजी पढ़ा रही हूँ, छोटे बच्चों की तरह पढ़ा रही हूँ आपको, बल्कि आप मास्टर्स करके आए हो। डिसग्राफिया, डेलेक्सिया, इतना स्लो स्लो पढ़ा रही हूँ आज। और अगर आप और लेक्चर देखोगे ना कभी, जो नेट जेआरएफ की तैयारियां करवाते हैं प्लस पे, यूट्यूब पे, तो चलो यूट्यूब में तो ये होता है कि हाँ बहुत ज्यादा स्टूडेंट आए तो इसलिए हर एक चीज बड़ा उससे समझाया जाता है। बट अगर कभी ऐप पे पढ़ोगे ना तो पता लगेगा, ऐसे निकालते हैं ना वो स्लाइड है, क्योंकि 6-3 महीने के अंदर अंदर कोर्स कंप्लीट करवाना होता है। और आप खुद सोचो कि आप कल को खुद को ये रख के सोचो कि जब आप टीचर बनोगे तो 3 मंथ में कोर्स कंप्लीट करवाना कोई आसान बात नहीं होती है। इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाती हूँ, तो कोई बुरा ना माने कि मैम इतना स्पीड में पढ़ाते हो आप, आज तो चलो तबीयत ठीक नहीं इसलिए। मैम आज क्लास एंड कर दो आप, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ा रही हूँ, आप भी पढ़ो, ठीक है? अभी तो कितने टॉपिक ऐसे हैं जो आपके रहते हैं, जो यूट्यूब पे करवाए हैं मैंने कुछ टॉपिक आपके। अब चलो अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है जी आपका, ठीक है? जनरेशन कंप्लीट है आप लोगों की, और आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी कंप्लीट है, लर्निंग डोमेन कंप्लीट है। छोटा है बच्चा, नहीं इमेच्योरिटी है क्या? फिर वही आ जाएगा ना, कौन सा, कौन से वाला बोला था मैंने, इमेच्योरिटी वाला। हो है 25 साल के बट फिर भी मेच्योरिटी नहीं है उस हिसाब से। कौन सा डिसऑर्डर था वो? हाँ जी आयरन लेडी ऑफ द फिलर फॉर्म टीम एंड स्टूडेंट। आयरन लेडी क्या होता है मुझे नहीं पता अभी ज्ञान जी, ये शायद जुकाम लगा है तो मेरा दिमाग अभी काम नहीं दे रहा है। आयरन लेडी मीन्स, मुझे नहीं पता आयरन लेडी क्या होता है। डिस्प्रेक्सिया, हाँ इमेच्योरिटी, हाँ जी आयरन लेडी बताना मुझे, ठीक है? पैडागॉगी स्टार्ट करें, न्यू टॉपिक है आपका पैडागॉगी। मोस्ट पावरफुल है मतलब मैम पावरफुल है, ओके बहादुर लेडी मैम, अच्छा होंगे कोई फिर आयरन लेडी है ना, इसके नेम से पढ़ा होगा ये नेम। अब देखो नेक्स्ट आपका पेडागॉगी, इम्पोर्टेंट टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेडागॉगी, एंडागॉगी एंड ह्यूटागॉगी, ये भी आपके लर्निंग लर्निंग में आता है, ठीक है? लर्निंग में ही आता है ये, लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स बोल लो आप इसको। अब पेडागॉगी टाइप के देखो, पेडागॉगी अगर हम सिंपल बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपका मेमोरी लेवल को बता रहा है, उसके फीचर्स दे रहा है ये थोड़े थोड़े। अगर मेमोरी लेवल ढंग से पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि जो टीचर पे डिपेंड रहते हैं, पेडागॉगी भी वही स्टूडेंट है जो कि टीचर पे डिपेंड रहते हैं। क्लियर है? देखिए अब लाइक इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू एंड लक्ष्मी बाई। ओके जी अभिज्ञान मिश्रा जी, थैंक यू सो मच, आप भी ऐसे ही बनो अपने स्टूडेंट्स के लिए। पेडागॉगी डिस्क्राइब द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट। द टर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेडागोगोस, गोगोस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेडोस, ये पूछा जा सकता है। पेडोस का क्या है? चाइल्ड। एंड अगोस का, अगोगोस का क्या है? आपका लीडर, ठीक है? द एडवेंट ऑफ राइटिंग सिरका, सिरका का मीनिंग बताया था ना लगभग 3000 BC, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं इतना खास। लेड टू फॉर्म ऑफ एजुकेशन दैट वाज मोर सेल्फ रिफ्लेक्टिव एंड कंसर्न्ड विद स्किल एंड नॉलेज बिल्डिंग। इट वाज आल्सो अराउंड दिस टाइम दैट प्लेटो स्पोर्टेड, एंड ये वाला भी इंपॉर्टेंट है प्लेटो, ठीक है? ये एक नेम है किसी व्यक्ति का, प्लेटो ये नेम है। स्पोर्टेड एन इंस्ट्रक्शनल सिस्टम दैट मेड यूज ऑफ स्कॉरिटिक मेथड दैट यूज क्वेश्चंस टू हेल्प स्टूडेंट ड्राइव मीनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोक्रेटिव। अब देखो हिंदी में, शिक्षा छात्र छात्रों को पढ़ाने की कला और विज्ञान का वर्णन करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षा छात्र की या पेडागॉगी की, ये उस प्रकार के स्टूडेंट है जो कि टीचर पे डिपेंड है, ये टीचर पे डिपेंड रहने वाले स्टूडेंट है पेडागॉगी। क्लियर है? यह शब्द ग्रीक शब्द पेडागोगोस से आया है, जो पेडोस बच्चा, अगोगोस नेता का संयोजन करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर देती हूँ।
क्या नहीं पढ़ा? गैगनीज नहीं पढ़ा, गैगनीज के नाइन, वो हाँ पढ़ेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी मॉडल्स और उसमें थ्योरीज में पढ़ेंगे। अभी तो टीचिंग के बहुत सारे मॉडल रहते हैं आपके, वो करने हैं अभी हमने। गैगनीज गगनी जो है आपका, वो तो करने हमने, नाइन नाइन जो चीज़ है उसमें अटेंशन वाला, वो सारी चीज़ें करने हैं। वो देखते हैं यूट्यूब पर करेंगे या फिर यहाँ पे करेंगे, पहले इसको कर ले पैडागॉजी और एंड्रागॉजी। अब देखो, इट वॉज ऑल्सो अराउंड दिस टाइम दैट प्लेटो, ये हमारा हो गया ना, हिंदी में पढ़ रहे थे हम। लेखन का आगमन लगभग 3000 ईस्वी पूर्व शिक्षा के एक ऐसे रूप को जन्म दिया जो अधिक आत्मचिंतनशील था और कौशल और ज्ञान निर्माण से संबंधित था। इस समय के आसपास प्लेटो ने एक निर्देशात्मक प्रणाली का समर्थन किया जिसमें सुकराती पद्धति, सोक्रेट, ठीक है, सोक्रेट का उपयोग किया गया, जो छात्रों को अर्थ निकालने में मदद करने के लिए प्रश्नों का उपयोग करती थी। ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, रिलेट टू टीचर सेंटर्ड, एंड्रागॉजी रिलेट टू स्टूडेंट सेंटर्ड, ह्यूटागॉजी रिलेट टू मोस्टली अडल्ट एजुकेशन एंड रिसर्चर एक्सेट्रा। हाँ जी, सही सही रिप्लाई किया जी आपने। अब अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पेडागॉजी, देयर आर सेवरल पेडागॉजिकल अप्रोचेस टू एंगेज स्टूडेंट एंड मीट देयर नीड्स। द फाइव मोस्ट कॉमन वंस आर, शिक्षा छात्र के विभिन्न प्रकार है, छात्रों को शामिल करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई शैक्षणिक दृष्टिकोण है, ठीक है। पांच पांच दृष्टिकोण दिए गए हैं यहाँ पर जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। सोशल पेडागॉजी, एजुकेशन इज सीन एज क्रूशियल टू सपोर्टिंग सोशल डेवलपमेंट एज वेल एज स्टूडेंट वेलबींग एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी। सोशल डेवलपमेंट भी आएगा, स्टूडेंट वेलबींग भी आएगा और साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी आएगा। क्लियर है? साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी आएगा यहाँ पर। एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल पेडागोगी इन्वॉल्व आस्किंग स्टूडेंट्स टू एग्जामिन कॉमन सोशल इशूज सच एज फूड इनसिक्योरिटी एंड इट्स डिसप्रोपोर्शनेट टोल और ऑन सर्टेन डेमोग्राफिक ग्रुप्स। हिंदी में देख लो, सामाजिक शिक्षा, छात्र शिक्षा को सामाजिक विकास के साथ साथ छात्र की भलाई, ये इम्पोर्टेंट है, छात्र की भलाई अंडरलाइन कर रही हूँ, और मतलब कि सामाजिक, ठीक है, समाज के साथ साथ शिक्षा को सामाजिक विकास के साथ साथ छात्र की भलाई और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, ये भी छात्र का हो जाएगा, में सहायता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है सोशल पैटागोगी को। मीन्स की समाज पे तो ध्यान देना ही है, ठीक है, समाज तो अब हम समाज में रह रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो करेंगे, समाज के अकॉर्डिंग तो हम चलेंगे। बट सोशल पेडागोजी का मानना ये है कि छात्र की भलाई भी ध्यान में रख के चलना है और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी ध्यान में रखकर चलनी है एक स्टूडेंट की। सामाजिक शिक्षा, छात्र के एक उदाहरण में छात्रों से खाद्य असुरक्षा और कुछ जनसांख्यिकीय समूह पर इसके असंगत प्रभाव जैसे सामान्य सामाजिक मुद्दों की जांच करने के लिए कहना शामिल है। मीन्स कि उनको समाज से जोड़ना है छात्र को, ठीक है, समाज से जोड़ना है। अब जो खाना पीना है वो तो सभी खाएंगे, तो ये बताना है स्टूडेंट को, ठीक है, खाने पीने से रिलेटेड जो समस्या है, ये तो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, तो वो समाज से भी जुड़ पाएंगे और खुद से भी जुड़ पाएंगे, अपने आप को भी देखेंगे, खाना तो वो भी खाएंगे, ठीक है, तो वो अपने आप को भी उस सिचुएशन या फिर उस कंडीशन में महसूस कर पाएंगे और समाज की तकलीफ को भी वो समझ पाएंगे कि हाँ समाज को कितनी तकलीफ हो रही है, लोगों को, हमारे लोगों को, हमारी जनता को कितनी तकलीफ हो रही है अगर जो खाना है वो असुरक्षा है, ठीक है। पैडागॉगी यही है, टीचर सेंटर है मैम ये, जिनकी पूरी जिम्मेदारी टीचर पर होती है बच्चों को पढ़ाने की। हाँ जी, टीचर पर होती है पूरी जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाने पर, और सोशल पैडागॉगी ये है कि समाज के साथ साथ छात्र की भलाई और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा में भी सहायता महत्वपूर्ण है। मीन्स की जो बच्चा है ना उसको समाज के साथ जोड़ के काम करना है, ठीक है, बच्चे को समाज के साथ जोड़कर काम करना है, उसको एग्जाम्पल ऐसे देना है। मोहम्मद जी आए तो है क्लास में, क्यों नहीं आया? वो आया तो है, लग तो रहा था मुझे कि आया, पता नहीं बाकी। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट, बता सकता है कोई इतनी बार ये टर्म आ की है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है? और अगर हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करें तो किसने दिया है, और अगर हम कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करें तो किसने दिया है? बहुत बार YouTube पर भी पढ़ा चुकी हूँ आपको और ऐप पर भी पढ़ा चुकी हूँ, रचनावादी शिक्षा शास्त्र, बताइए कंस्ट्रक्टिविस्ट। हाँ जी बोलिए, किसने दिया है आपका? रिप्लाई करो ना आपस में ना, रहा करो बातें करते हुए, रिप्लाई कर लिया करो।
अपनी पहाड़ी टंग में आ गई थी मैं तो। आपस में नाना ऐसा बोलते हैं कुछ, आपस में नाना रहा करो बातें करते हुए। हाँ जी बताओ, कंस्ट्रक्टिविस्ट ब्रूनर, शाबाश। कहाँ से आए हैं आप लोग? कंस्ट्रक्टिविस्ट, सोशल एंड कॉग्निटिव, ये लोग कहाँ से आए हैं? सोशल कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्ट ब्रूनर तो मैंने कुछ टर्म ही नहीं पढ़ाई अभी तक। ब्रूनर तो था ही कोई नहीं, बेंडूरा था, ब्रूनर तो कोई भी नहीं था। ये तो कुत्तों का नाम होता है ब्रूनर। बताओ जल्दी, वीडियो ऑन करनी पड़ेगी लगता ना मुझे। अब वैसे भी थोड़ा सा टाइम तो रह गया है। कंस्ट्रक्टिविस्ट बताओ जल्दी, कॉग्निटिव एंड आपका सोशल। हिंट भी दे दी इतनी बड़ी, अब भी पढ़ा है, ऐप में भी पढ़ा है और यूट्यूब पर भी पढ़ा है। प्याज एंड ब्रूनर भी है। बहुत बहुत तरक्की करोगे आप ना। अभी पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन, 2 दिन पहले कि 1 दिन पहले पढ़ा डिफरेंस बिटवीन। कंस्ट्रक्टिविस्ट एल्बर्ट बंडूरा में था क्या कंस्ट्रक्टिविस्ट कहीं? वहां पे तो ऑब्जर्वेशन था, सोशल लर्निंग ऑब्जर्वेशन था वहां पर, तो मॉडलिंग था, लर्निंग था, ऑब्जर्वेशन था। कमाल कर देते हो। वेगोस्टे का नाम भूल के क्या? लेव वेगोस्टे का नाम भूल के कंस्ट्रक्टिविस्ट, और पढ़ा भी था डिफरेंस बिटवीन एंड डिफरेंस बिटवीन पियाजे एंड वेगोस्टे में पढ़ा था। सेकेंड ही लाइन थी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड आपका कॉग्निटिव। कॉग्निटिव से तो नाम क्लियर हो जाना चाहिए था आपको, जीन पियाजे। कॉग्निटिव आ गया जहां पर, वो तो जीन पियाजे था फिर। लेव वेगोस्टे, हाँ जी मैम, मिक्स हो, मिक्स ही तो करना नहीं है ना, वही तो इसीलिए तो बोलते हो रिवीजन करो। बेंडूरा सोशल लर्निंग था, कंस्ट्रक्टिविस्ट थोड़ी था। कंस्ट्रक्टिविस्ट का होता है कि नॉलेज का निर्माण करना होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब जो जीन पियाजे थे, उन्होंने कहाँ से नॉलेज का निर्माण किया? मेंटल, माइंड से रिलेटेड, मीन्स कि वो दिमाग से सोचते थे, दिल से नहीं सोचते थे, इमोशंस नहीं थे उनके अंदर। और जो ये थे वेगोस्टे थे, ये बोलते थे कि समाज के साथ चलना है, समाज से बच्चा सीखेगा, समाज से वो नॉलेज का निर्माण करते थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ही नॉलेज का निर्माण करना है। ओके, वेगोस्टे थे। बाकी जो सोशल लर्निंग है, एल्बर्ट बंडूरा या ऑब्जर्वेशन, वो कहते थे कि हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, दूसरा मेरे सामने मॉडल होगा तो मैं वैसा वैसा बन जाऊंगा। मैंने किसी को देखा, यार ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, हाँ मुझे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए, तो इसने क्या क्या किया होगा अपनी लाइफ में। मीन्स दूसरों के एक्सपीरियंसेस को देखकर हम सीखते हैं। इसने नेट क्वालिफाइड किया, इसने जेआरएफ क्वालिफाइड किया होगा, कैसे किया होगा, कैसे पढ़ाई की होगी, क्या इसकी स्ट्रेटेजी रहेगी, उसको बोलते हैं सोशल लर्निंग, कि हम समाज से सीख रहे हैं, अपने आसपास के लोगों से सीख रहे हैं। इतना बताने के बावजूद भी ऐसी हरकतें करते हो, तब बोलते हो मैम हमें सब आता है, यस यस करते हो जब पढ़ाते हैं तो। कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी, स्टूडेंट फ्रॉम देयर ओन नॉलेज थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस वर्सेस पैसिवली इन्वेस्टिंग मटेरियल। अब देखो यहाँ पे ये मत सोचना कि हाँ यहाँ पे तो स्टूडेंट खुद से कर रहा है, मीन्स कि जो उसने टीचर से पढ़ा है ना, वो अपना दिमाग भी कहीं ना कहीं यूज कर रहा है। ये कोई छोटी छोटी क्लास का बच्चा नहीं है, थोड़ा बड़ा हो गया है, डिपेंड टीचर पर है नो डाउट, बट इतना भी डिपेंड नहीं है, मीन्स बड़ा हो गया है कि अपने दिमाग का यूज कर सकता है। क्लियर है? अपने दिमाग का यूज ये कर सकता है। अब देखो, छात्र प्रत्यक्ष अनुभवों से सीखेगा, अपने बनाम निष्क्रिय रूप से ग्रहण की गई सामग्री के माध्यम से अपना ज्ञान बनाते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट का होता है नॉलेज का निर्माण करना, ठीक है, नॉलेज का निर्माण करना। ओके, सोशल लर्निंग देखकर सीखा, हाँ किसी को देखकर सीखा सोशल लर्निंग। अब रचनावादी शिक्षा छात्र का एक उदाहरण है, और जो वेगोस्टे है, समाज से उन्होंने निर्माण किया नॉलेज का, समाज से सीखा, ठीक है, कि हाँ जो एक छोटा बच्चा है वो समाज से सीखेगा, अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स से सीखेगा, अपने कलीग से सीखेगा, अपने यार दोस्तों से सीखेगा। जैसे कि मैम पता ही है आपको कि हमें भी बड़ी संगति का असर हुआ होगा +1 2 में, सबको ही हुआ होगा ऑलमोस्ट संगति का असर, ठीक है, तो वो था। और बट जो कॉग्निटिव थे वो बोलते थे कि नहीं, बच्चा अपने दिमाग से सीखेगा, जो उसको सही लगेगा वो वही करेगा। मीन्स कि अगर वो गर्म के पास गया, उसको हॉट लगा, वो दूसरी बार उसको टच नहीं करेगा क्योंकि वो तो वहां से जला था। अगर कोई बच्चा गिर गया, वो दूसरी बार वो नहीं जाएगा क्योंकि उसको पता है कि ऐसे तो गिरते हैं, तभी बच्चा बड़ा 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 होता जाता है। फिर उसका एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं कि मैं गिरूंगा, मैंने अगर ऐसा किया तो मैं गिर पड़ूंगा, मैंने गर्म को हाथ लगाया, मीन्स कि जैसे आपकी गैस होगी, फ्लेम होगी। छोटे बच्चे को रख देना, उसको क्या पता फ्लेम है, एक बार उसका हाथ जलेगा उसको समझ आनी शुरू हो जाएगी, चीजें अंडरस्टैंड करनी शुरू हो जाएगी। कॉग्निटिव का ये मानना था कि अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देगा जब उसके साथ कुछ घटना घटेगी।
अब देखो, कंस्ट्रक्टिविस्ट समझ आ गया ना, नॉलेज का निर्माण करना, स्टूडेंट ने जो टीचर ने पढ़ाया होगा उसी का ही वो निर्माण करेगा, सोचेगा, समझेगा। रचनावादी शिक्षा छात्र का एक उदाहरण है, छात्रों को एक चूहे की विशेषित करने वाले सिमुलेशन को पूरा करने के लिए कहना होगा, बनाओ छात्रों को उनकी पाठ्य पुस्तक में, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, नॉलेज का निर्माण करेंगे, ठीक है, खुद करेंगे स्टूडेंट नॉलेज का निर्माण, पढ़ाएगा टीचर बट निर्माण खुद करेंगे, वो सीखेंगे मतलब चीजों को। अब देखो, क्रिटिकल पेडागॉजी, स्टूडेंट एंगेज विद कोर्स मटेरियल थ्रू अ सोशल जस्टिस लेंस, क्रिटिकली डीकंस्ट्रक्टिंग नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव एंड एग्जामिन पावर स्ट्रक्चर्स। एन एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल पेडागॉजी विल बी एनालाइजिंग सॉन्ग लिरिक्स दैट स्पीक्स टू सोसाइटल थीम्स सच एज वेल्थ एंड कॉर्पोरेट सक्सेस। आलोचनात्मक, क्रिटिकल से समझ आ रहा है ना कहीं जो क्रिटिकल होता है आपका, एक तरह से आप लोगों का कैसा होता है, ये रैशनल हो जाता है एक तरह से, लॉजिकल हो जाता है एक तरह से, ठीक है। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि मानो मेरे पास 10 थॉट है, 10-20 बातें हैं मेरे पास, बट मैं क्रिटिकली बड़े ध्यान पूर्वक कि मैं किसी चीज को सोच रही हूँ या समझ रही हूँ या मैं चूज कर रही हूँ, ठीक है, वो होता है क्रिटिकली। अब ऐसे मत बोल देना कि जो क्रिटिकल कंडीशन में है, बहुत सीरियस कंडीशन में, मींस यहाँ पे वो सोच रहा है, वो हॉस्पिटल में नहीं है, यहाँ पे वो सोच रहा है, उसके पास 10-20 थॉट है जो भी है, ठीक है, वो सोच रहा है उस पर। कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोगी का मतलब निमोनिक क्या बनाए मैम, नॉलेज का निर्माण करना है। जैसे कि मान लो एक छोटा बच्चा है या फिर 10-15 साल का बच्चा है, उसको मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और वो ना कहीं जब मैं उसको पढ़ाती हूँ चीजें, तो वो कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस से भी कुछ सीख रहा है। जैसे कि मैंने उसको बोला कि भाई ऐसा करना है, रिविजन करके आया करो, रिविजन कर लिया करो बार बार, ठीक है, तो तुम्हें चीजें याद रहेगी। बच्चा बोलता है नहीं, हम तो महीने में एक ही बार पढ़ेंगे, है ना, अपना दिमाग यूज करेगा पहले तो, नहीं, हम तो महीने में एक ही बार पढ़ेंगे, मैम तो ऐसे ही बोलते हैं कि हर हफ्ते रिविजन करो, और बच्चे ने ऐसा ही किया, ठीक है, आ गए जी एग्जाम, 1 महीना बचा, अब क्या क्या पढ़े समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं कि अपने आप से उसने नॉलेज का निर्माण किया, किस वे में, नेगेटिव वे में, और पॉजिटिव वे में कि मैंने बोला रिवीजन करनी है, मैंने बोलता 2 बार ही रिवीजन करनी है, बच्चे ने सोचा नहीं, 3 बार रिवीजन करूंगा तभी मैं एग्जाम में 100 out of 100 लेकर आऊंगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान का निर्माण करना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोगी। क्रिटिकल पेडागॉजी, छात्र सामाजिक न्याय लेंस के माध्यम से पाठ्यक्रम सामग्री से जुड़ते हैं, मानक दृष्टिकोण का गंभीर रूप से खंडन करते हैं और शक्ति संरचनाओं की जांच करते हैं, और बस ठीक है ये, ठीक है, शक्ति संरचनाओं की जांच करते हैं। आलोचनात्मक शिक्षा छात्र का एक उदाहरण, उन गीतों का विश्लेषण करना होगा जो धन और कॉपरेटिव सफलता जैसे सामाजिक विषयों पर बात करते हैं। क्रिटिकल वे में थिंकिंग करेंगे यहाँ पे जो स्टूडेंट है, सही भी है गलत भी है क्या है सारी चीजें, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, क्रिटिकल, और कौन सा था आपका, 3 ही थे क्या ये, कंस्ट्रक्टिव, सोशल, क्रिटिकल, कंस्ट्रक्टिव, हाँ। अब कल्चरली रिस्पॉन्सिव पैटागॉजी, अब रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है, हाँ, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बता सकता है मुझे कोई, और कहाँ ये टर्म यूज हुई आपकी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स और सेकंड रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस, कहाँ ये टर्म जो है वो यूज हुई है, बताओ बताओ बताओ, हाँ जी, कल्चरल रिस्पॉन्स पेडागोगी, डॉग, बैल, फिश, एग्जाम्पल, ना वो तो ठीक है, पाब्लो ऑपरेंट, क्लासिकल, वेरी गुड, हाँ जी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करें तो ये क्या था आपका, क्लासिकल था, ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्स की बात की गई थी, और ये था आपका ऑपरेंट, ये था क्लासिकल इवान पाब्लो, और ऑपरेंट की बात की जाए तो बी एफ स्किनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग में बात हुई थी, गुड, थैंक गॉड ये तो आता है आप लोगों को, सभ्यता, क्लासिकल। अब देखो, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा छात्र, शिक्षा शास्त्र, शिक्षक प्रासंगिक
कक्षा गतिविधियों के माध्यम से अपने छात्रों की विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का जश्न मनाते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा छात्र का एक उदाहरण है। एक निर्दिष्ट पठन सूची में सभी जातियों के विद्वानों को शामिल करना होगा, ठीक है। अब मतलब कि कल्चरली रिस्पॉन्सिव पैडागॉजी होगा कि शिक्षक जो है, जो टीचर है, उसको इस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाना, ये नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म की बात बता दी या एक ही चीज की बात बढ़ा दी, मीन्स उसके कल्चर को भी शामिल करना होगा, ठीक है, उसके कल्चर को भी शामिल करना होगा। ओके उसके कल्चर को भी शामिल करके पढ़ाओ उसको। आप तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, कोई बता सकता है कि उसमें अपनी लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकते हैं? अभी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है ना ये, कि जो जिस लैंग्वेज में पढ़ता होगा वो कंपलसरी होगी। उसको पंजाबी है तो उसको पंजाबी रखना कंपलसरी होगा, संस्कृत रखना कंपलसरी होगा, जो जिस भी कल्चर से, जिस भी स्टेट से है, उसको वो लैंग्वेज पढ़नी ही होगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कंपलसरी है। हाँ जी, ठीक है, क्लास को वाइंड अप करते हैं। ओके, और 9 PM वाली क्लास देखती हूँ, वैसे तो मैं भी रेस्ट ही करूँगी, देखती हूँ क्या होता है। 9 बजे तक उठ गए तो क्लास हो जाएगी आप लोगों की यूट्यूब पर, अगर 9 बजे तक नहीं उठ पाए, सोए रह गए, तो फिर नहीं होगी क्लास। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। रिविजन कर लेना एक बार, एंड आज थोड़ा स्लो पढ़ाया है, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। आज काफ़ी कम टॉपिक किए हमने कवर। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखें प्लीज। आज PDF इसकी 3-4 स्लाइडें तो हुई है, क्या PDF देनी है इसकी, बाकी वो टेक रेस्ट, अदरवाइज वी विल नो अटेंड टुमारो क्लास। ओके जी, ओके ओके। अब देखो, अब मुझे क्या बोलना था, हाँ PDF मैंने अपलोड किया है असेसमेंट और उसकी वैल्यूएशन की, वो देख लेना प्लीज, सभी एक बार चेक कर लेना, रिवीजन कर लेना और पढ़ाई करो यार, ठीक है। दिसंबर में एग्जाम आने वाले हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दो ज्यादा ज्यादा, सभी स्टूडेंट। इस बार JRF करना है डेली, यही बोला करो सुबह सो के उठ के कि मेरा JRF हो गया है, मेरा नेट हो गया है। जिनकी एज चली गई है, ठीक है, निकल गई है, वो बोलो मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, पॉजिटिव, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, और पढ़ाई करो पॉजिटिविटी के साथ साथ, स्टडी करो। PYQs इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है, और आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करने इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी तो Paper 1 की आपकी बुक भी पब्लिश हो गई है फिलर फॉर्म की, तो आप लोग उसको भी परचेज कर सकते हो, 399 की है, उसमें सारे PYQs मिलेंगे आप लोगों को, सॉल्व सॉल्व किए हुए PYQs, तो आप उसको भी ऑर्डर कर सकते हो। और पढ़ाई करो अपनी, सभी पढ़ाई पे ध्यान देंगे प्लीज, सभी पढ़ाई करो, यही टाइम है, बाद में तो फिर बिजी हो जाता है बंदा, फिर नहीं करियर पे ध्यान दे पाते उतना ज्यादा जितना अभी दे सकते हो आप। ओके, पढ़ लो फिर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। ओके जी, बाय बाय। मैम हम लोगों की बुक ही नहीं आई है, और ऑर्डर कर दी बुक शिवांगी जी, आपने ऑर्डर कर दी है बुक आपने? आ जाएगी, कोई नहीं, ऑर्डर कर दिए तो आ जाएगी, ठीक है।